Hello students, how are you all? I hope you all are staying fit and fine at your places. Myself, Umana Ruka from Shivjyoti Education Group, Kota. Students, today we will start Chapter 7 of Unit 3 and chapter is Artistic Aspects of the Indo-Islamic Architectures. So, Artistic Aspects of the Indo-Islamic Architectures. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये Indo-Islamic का एक mission है, जो भी हमने architecture हमें यहाँ पे मिले हुए हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे. Introduction, the contact of the Muslim with India were the result of the series of armed raid and invasion through the northwest passes from the 8th to 18th century में यहाँ जो मुस्लिम्स थे वो कांटेक्ट में आए थे और उसके बाद से ही आर्किटेक्चर का काम शुरू हुआ था. द मुस्लिम इन्वेडर्स वर ऑफ डिफरेंट ओरिजिन और जो आक्रमणकारी थे मुस्लिम वो डिफरेंट ओरिजिन से आए थे, जैसे अरब, तुर्क, अफगान एंड मुगल्स. द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स ब्रॉट अ न्यू एंड इन्विगोरेटिंग इन्फ्लुएंस इनटू द इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल. और जब इनका यहाँ इंडिया में आना हुआ तो इन्होंने अपनी जो आर्टिस्टिक थी और इन्होंने जो आर्किटेक्चर्स जो बनाए थे अपने स्टाइल में, बहुत ही डिफरेंट तरीके के थे वो. दिस इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज नॉट कम्प्लीटली न्यू, ये पूरी तरीके से बहुत ही कम्प्लीट नहीं था और बहुत नया तो था, लेकिन इसको जब वैन एवर हिंदू सिटी वॉज कैप्चर्ड, जब इन्होंने हिंदू सिटीज़ पर जब अपना आक्रमण किया, द मुस्लिम हरिडली बिल्ट अ मॉस्क विद द मटेरियल ऑफ द डिस्ट्रॉय हिंदू टेम्पल्स. जो भी इन्होंने जब हमारे भारत पे आक्रमण किया और यहाँ के मंदिरों को नष्ट किया और उसी बेस्ड पे इन्होंने अपने मॉस्क्यूज बनाए. द हिंदू आर्किटेक्चर्स वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्टनेस, स्टेबिलिटी, मैग्निफिकेंस, मैजेस्टी, सब्लिमिटी एंड इन्फिनाइट रिचनेस. और इन्होंने इस सबके मिश्रण से इसको बहुत आगे बढ़ा दिया. दे एक्सटेंसिवली डेकोरेटेड देयर बिल्डिंग्स विद फ्लोरा एंड फोना वेरियस डिटीज. और ये जो अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे उसमें फ्लोरा एंड फोना का यूज़ करते थे. जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, फूल पत्तियाँ, और इसके अलावा हम जंगली जानवर्स को ले लेते हैं, उनके इमेजेस इन्होंने इस पे बनाए. द मुस्लिम आर्किटेक्चर्स ऑन वन हैंड वर मैसिव एंड एक्सटेंसिव बिल्डिंग्स. और इन्होंने जो बनाए बिल्डिंग्स बहुत ही खूबसूरती तरीके से इनको सामने लाया गया, जैसे इंस्पायरिंग डॉम्स, टॉल मीनारेट्स और लॉफ्टी पोर्टल्स, मीनार्स, हमाम्स, ओपन कोर्टयार्ड्स, मदरसा, कारनावानसरीज, कॉस मीनार्स, हग वॉल एक्सेट्रा. देखिए स्टूडेंट्स, एंड ऑन द अदर हैंड ऑफ बेनिफिट ऑफ स्कल्पचर्स. और ये बहुत अच्छा जो बेनिफिट है स्कल्पचर्स का हमें देखने को मिला है. और इसमें देखिए इन्होंने जो अपनी बिल्डिंग्स को किस तरीके से बनाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने डॉम्स बनाए बिल्डिंग्स के लिए. पहले पिलर्स इन्होंने खड़े किए हैं और उसके ऊपर बहुत मजबूती देने के लिए इसका यूज़ किया है. और जब इन्होंने अपनी बिल्डिंग को बनाया तो उसमें ओपन कोर्टयार्ड्स रखा, मतलब इनकी जो बिल्डिंग थी तो उसमें बहुत लार्ज एरिया पे अपनी बिल्डिंग को बिल्ड करते थे और उसके साथ ही उसमें जाने के लिए बहुत एरिया इन्होंने कवर्ड किया है, जो कि ओपन कोर्टयार्ड में इन्होंने बताया है उसको, जो खुला हुआ बहुत सारा ओपन एरिया होता है और उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे डेकोरेटिव तरीके से देखा है. आगे भी हम इनकी बिल्डिंग्स के बारे में जानेंगे जिसमें आप ओपन कोर्टयार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. When these two diverse cultures and architectural art form came into contact with each other, जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंडो ये जो इस्लामिक है तो एक इंडिया और इस्लामिक का दोनों का मिला हुआ रूप है. अ न्यू आर्किटेक्चुरल स्टाइल केम इन टू एग्जिस्टेंस और दोनों के मिलने से बहुत ही अच्छा जो इनका निर्माण हुआ है वो हमें सामने आया है और इनकी बिल्डिंग में जो खूबसूरती है वो हमें इसी दोनों के मिश्रण को देखने से हमें मिलती है. विच हैज़ बिन डिस्क्राइब एज इंडो सैरासेंटिक और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स. देखिए अभी जिसके बारे में हमने बात की वही है ये, और जो दोनों को मिला के बनाया गया है उसे यही नाम दिया है, इंडो सैरासेंटिक और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स. द डिज़ाइन ऑफ द आर्किटेक्चर वॉज ट्रूली इस्लामिक एंड स्ट्रिकिंगली कॉन्ट्रास्टेड विद द हिंदू आर्ट. और जो मिली हुई थी इनकी इस्लामिक आर्ट वो बिल्कुल इन्होंने हिंदू आर्ट से ही ली हुई है. वाइल द
मुस्लिम रूलर्स सुपरवाइज्ड एज दे वर मेनली सोल्जर्स, द हिंदू आर्टिस्ट डिड द एक्चुअल वर्क। और उन्होंने जाना कि जो हिंदू कारीगर हैं वो भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और जो इनके मुस्लिम्स के जो वर्कर्स थे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया है। द स्टडी ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज़ कन्वेंशनली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। और जो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से इसको इन्होंने फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसे दिल्ली और इम्पीरियल स्टाइल, इसको जो कि दिल्ली सल्तनत में है, और प्रोविनिकल स्टाइल है, इसमें मंडू गुजरात में है और जो कि बंगाल एंड जौनपुर एरिया इसमें आता है, और मुगल स्टाइल दिल्ली आगरा एंड लाहौर में हमें देखने को मिलती है, एंड डिकैन स्टाइल जो कि दक्षिण में है बीजापुर एंड गोलकुंडा की में इसकी आर्किटेक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। द दिल्ली और इम्पीरियल स्टाइल डेवलप्ड अंडर ममलुक डायनेस्टी इन द लेट 12th सेंचुरी, नॉट लॉन्गर आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया बाय द तुर्क्स कंटिन्यू टू बी इन यूज अंटिल द 16th सेंचुरी व्हेन इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द मुगल स्टाइल। देखिए, पहले जो तुर्कीज थे उन्होंने जो अटैक किया था और उनके साथ ही बाद में मुगल का यहाँ पर अपना जो डायनेस्टी था वो शुरू हो गया था, तो इन्होंने अपना जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ से इन्होंने अपना यहाँ पर इंडिया में आगमन शुरू कर दिया। और ये आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है, ये देखिए, ये एक छोटा सा हमें यहाँ पिक्चर इसका देखने को मिलता है, बहुत ही टॉल है ये, और जो इसकी कारीगरी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई हुई है। और ये देखिए कुतुब मीनार, जो कि इसका मीडियम लिया गया है रेड एंड बफ सैंडस्टोन एंड मार्बल, ये जो बनी हुई है इन तीनों को मिला के बनाई हुई है, रेड और बफ सैंडस्टोन भी है और मार्बल भी है। देखिए कितना खूबसूरती से इसका जो बिल्ट किया गया है, बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी तरीके से इसको आर्किटेक्ट किया हुआ है आर्किटेक्चर्स ने, ये देख सकते हैं आप। और ये जो इसका जो डैमेज एरिया हो जाता है, जिसको कि हम खंडित एरिया बोलते हैं, वो शो किया गया है, और बहुत ही फेमस है कुतुब मीनार, हर बच्चा इसको जानता ही है जहाँ तक मैं समझती हूँ, और इसकी नॉलेज होनी भी चाहिए। ये देखिए बच्चों, इसका साइज़ है, इसकी हाइट है 240 फिट, है ना, और इसको मैरोली में है ये, जो कि दिल्ली में है, और बहुत पुराना है ये, 1100 से लेके 1200 तक साल पुराना। और स्टूडेंट्स, ये देखिए कुतुब मीनार, अब इसका डिटेल हम जान लेंगे, यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में इसको बताया हुआ है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर्स, इसमें सबसे पहले कुतुब मीनार है, और भी आगे आर्किटेक्चर्स के बारे में जानेंगे। मीडियम है इसका रेड एंड बफ सैंडस्टोन एंड मार्बल, जैसा कि हमने अभी शो किया है आपको, और इसका सिरे का बताया ना आपको, 1100 से 1200 के बीच का एडी है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार 73 मीटर, अब देखिए इसकी हाइट है ना 240 फिट, और मीटर्स में हम देखें तो 73 मीटर हाई। टैपरिंग मिनारेट्स हैज़ अ बेस विथ डायामीटर, और इसका जो डायामीटर है वो है 14.3 मीटर, मीन्स 43 फिट, एंड डायामीटर ऑफ 2.7 मीटर एंड 9 फिट एट टॉप, है ना। जैसे जैसे इसको और भी आगे कंस्ट्रक्ट किया गया है तो अलग अलग इसका जो साइज है वो बताया हुआ है। बेड ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन एंड मार्बल इज नॉट ओनली द हाइएस्ट मिनारेट्स बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिक लैंडमार्क ऑफ इंडिया, है ना। इसको जैसे कि बहुत फेमस है ये, और हमारा जो इंडिया का फेमस हिस्टोरिकल लैंडमार्क है उसमें इसको जाना जाता है। कुतुब उद्दीन ऐबक, द फाउंडर ऑफ द टर्किश रूल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ऑल्सो ऑफ द ममलुक डायनेस्टी इन दिल्ली, कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनॉर्मस मिनारेट्स ऑफ द मुस्लिम सूफी मिस्टिक सेंट एंड स्कॉलर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर, है ना। देखिए कुतुब उद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी जिसको बोला जाता है, और ये किसने बनवाई थी कुतुब मीनार का निर्माण, जो किसने किया था, इसको बिल्ड करवाया था, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। द मोन्यूमेंट वॉज कम्प्लीटेड बाय ऐबक सन इन लॉ एंड सक्सेसर शमाउद्दीन इल्तुतमिश, और जब इसको इसका जो बिल्ड का जो काम है वो शुरू कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको जो कम्प्लीटेड किया था लास्ट में, बनते बनते इसको काफ़ी टाइम लगा था, और बाद में जो ऐबक के जो सन इन लॉ थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, जिनका नाम था शमाउद्दीन
इल्तुतमिश रिगार्ड एज द। देखिए स्टूडेंट्स, जो इनके सन इन लॉ थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। जैसे जैसे इसका आगे काम चलता गया, रिगार्ड एज द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन 1200 to 1220, है ना। तो इसको 1200 से 20 तक इसका काम चलता रहा। और ये देखिए, इसको जो अलग अलग इसके पार्ट्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको शो किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, एक एक लाइन, इसके कर्व्स और इसके अंदर जो डिज़ाइंस बनाया हुआ है, और ये देखिए पूरा इसको गोल गुंबद की तरह ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। और बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, और आज भी हमें देखने को मिलते हैं हमारे जो पुराने जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं, इनकंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशन स्टोरीज, ईच डिविज़न फ्रेंड विथ अ प्रोजेक्ट बालकनी। इल्तुतमिश एडेड थ्री मोर स्टोरीज टू द मोन्यूमेंट्स, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने थ्री स्टोरीज उसमें और आगे की तरफ उसमें ऐड की है। ये हमने देखा है यहाँ पर, है ना, जैसे पहले एक बिल्डिंग बन गई, ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने और आगे उसको ऐड करवा दिया, और आगे आगे ऊपर बनती गई। इसीलिए कुतुब मीनार, जो कि बहुत बड़ी मीनार मानी जाती है हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस में, है बहुत अच्छा नाम है इसका। और ईच स्टोरीज ऑफ द टावर आर अल्टरनेटली वेज शेप्ड एंड राउंडेड फ्लूट्स, है ना। और इसको जैसे जैसे गोल ऐसे पूरा बनाया हुआ है, इसका जो शेप है वो पूरा ऐसे राउंड एक पिलर की तरह है, और उसको चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है। द सेकेंड है सर्कुलर प्रोजेक्शन, द थर्ड इज स्टार शेप्ड एंड द फोर्थ इज सिंपली राउंड। देखिए, जो इसका जो थर्ड वाला जो सेकेंड है, इसको इस तरीके से बिल्ड किया हुआ है, इसका सर्कुलर प्रोजेक्शन है, और उसके बाद में इसको देखिए स्टार शेप्ड दिया हुआ है, और फोर्थ वाला जो राउंड है वो सिंपल रखा गया है। द बैल्कनीज आर सपोर्टेड फ्रॉम अंडरनीथ बाय द स्टेलिस्टिक ब्रेकटिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ स्मॉल आर्च, है ना, जो आर्च बना होता है विद ब्रैकेट्स इन बिटवीन, और उसके बीच बीच में देखिए बहुत सुंदर तरीके से बीच बीच में आर्चेस भी बने हुए हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाईली डेकोरेटेड बालकनीज एंड बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस इंटरवेंडेड विद फोलिएटेड डिज़ाइन, और बहुत ही खूबसूरती के साथ में ऐसे फोलिएटेड डिज़ाइन बने हुए हैं बीच बीच में से, इसको राउंड उसमें लेके शेप में लेके, और इसमें बालकनीज निकाली गई हैं, और बहुत अच्छा तरीके से उसको सजाया हुआ है। अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग दैट आर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एंड एसोसिएटेड विद द मीनारेट सराउंडेड इट एंड द होल एरिया फॉर्म पार्ट ऑफ द होल कुतुब कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसको बिल्कुल ऐसे बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसको बनाया हुआ है, इसकी बिल्डिंग से, और इसको हिस्टोरिकल उसमें बहुत अच्छी तरीके से और जाना जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। द मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स दैट आर हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एंड एसोसिएटेड विद द मीनारेट सराउंडेड इट एंड द होल एरिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ द होल कुतुब कॉम्प्लेक्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा ऐसे राउंड में बनाया हुआ है, इसमें जाने के लिए अंदर रास्ता भी है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। द स्ट्रक्चर इनसाइड द कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स द क्वावात उल इस्लाम मॉस्क्यू, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, द टॉम ऑफ इमाम जामिन, द टॉम ऑफ इल्तुतमिश एंड द मेजर इस्मिथ्स कपूला अमॉन्ग अदर्स। और देखिए, जब इसका काम चलता रहा, तो फिर बाद में इन लोगों ने इसका कार्य जो था, जो इनकम्प्लीट रह गया था, इसको आगे की तरफ बढ़ाया। दिस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट फेस्ड अ फ्यू नेचुरल डिजास्टर्स। और देखिए यहाँ पे इस जो इतनी बड़ी जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जो बनाया गया है, इसको कुछ नेचुरल डिजास्टर्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बनी हुई थी, और जैसे इसमें जैसे इलेक्ट्रिक जो वायर्स वगैरह होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनसे मतलब इसको नुकसान भी पहुँचा, जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह होते हैं जिनकी सप्लाईज घरों में या आसपास के खंभों से जो जोड़ी जाती है, वहाँ पे इसको नुकसान पहुँचाया गया ऐसा माना जाता है। अ लाइटिंग बोल्ट हिट द टॉप स्टोरीज ऑफ द मीनारेट्स इन 1360
9 AD है ना, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि जो लाइटिंग के जो बोल्ट्स होते हैं उनसे एक बार इसमें ऐसा कुछ हो गया था, कोई ट्रेजिडी हो गई थी यहाँ पर, जिसको कि यहाँ पे बताया हुआ है, नॉकिंग इट ऑफ एंटायरली द देन रूलर ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली फिरोज शाह तुगलक टुक चार्ज ऑफ इट्स रिस्टोरेशन एंड कंस्ट्रक्टेड 2 स्टोरीज। और फिर बाद में जो दिल्ली के सल्तनत थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने अपना इसका चार्ज संभाला और इसको हाथ में लिया। टू द मिनारेट्स मेड ऑफ मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन, और जो इसको आगे की तरफ उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया उसमें 2 मीनार्स और इन्होंने इसके अंदर बनाई गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस कुतुब मीनार को बिल्ड किया गया और बहुत ही खूबसूरती के साथ में आर्किटेक्टर्स ने इसको आर्किटेक्ट किया है ना। सो स्टूडेंट्स, अदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन अदर इन नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वर्क और ये आपको फाइल में कंप्लीट करना है, जैसे कि आप लोग करते हुए आए हो। ये पेंटिंग्स हैं, ये बनाई हुई हैं और आपको भी इसी तरीके से पेंटिंग्स बनानी है। सबसे पहले आप बहुत ही लाइटली पेंसिल से स्केच ड्रॉ कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देखिए, ये पर्सपेक्टिव है, जो कि पर्सपेक्टिव मीन्स होता है बहुत ही जो दूर की चीज़ होती है हमें छोटी दिखाई देती है और पास आते आते वो बड़ी दिखाई देती है। तो ये इस पर्सपेक्टिव का इसमें ध्यान रखना है आपको। और आपको यहाँ से ये देखिए लाइंस में ऐसे ड्रॉ कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे एक रास्ता है, ऐसे रोड टाइप से बना हुआ है, तो आपको ये भी, और साथ में इसके जो यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे से ये जो पिलर्स हैं, तो इनके भी आपको शेड्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। लेकिन आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और ये जो है इसका आप अगर सिर्फ इतना सा ये जो बना हुआ है इतना ट्री, सिर्फ इतना ही ड्रॉ करना है आपको। और ये लीव्स और इसके जो यहाँ पे शेड्स आ रहे हैं ये आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, सिंपली आपको इतना ही ड्रॉ करना है सबसे पहले। और ये लाइंस में आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद आप कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको वाइट कलर लेना है और इतना शीट को वॉश करना है, ठीक है। पानी में डिप करेंगे, वाइट कलर लेंगे और इसको आप शीट को वॉश करेंगे, मीन्स इस पर एक दो बार ब्रश चलाएंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा ब्लू कलर लेना है आपको और उसको ऐसे मर्ज करना है आपको इसके साथ ही। और साथ ही आप हल्का सा पिंक कलर भी ले सकते हैं, और पिंक कलर नहीं है तो वाइट के अंदर बिल्कुल कम मात्रा में बिल्कुल थोड़ी सी ड्रॉप आपको रेड कलर की डालनी है, और मिक्स करते हुए आपको इस तरीके से शेड करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको हल्का हल्का येलो कलर का टच देना है, और उसके बाद में ब्लैक कलर से आपको इन सब पे कलरिंग कर लेनी है, और साथ ही उसकी यहाँ पे आपको शेड्स को कलर करना है। और जो बिल्कुल लास्ट में कलर बच जाएगा उससे पहले आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा और वाइट कलर मिक्स करने के बाद में ये वाला जो कलर है आपको पहले करना है, उसके बाद में ये शेड उसके ऊपर करना है। पहले ये वाला कर लेंगे, उसके बाद पहले ये जो ग्रे शेड आपको दिखाई दे रहा है इसको करना है, उसके बाद आप इसके ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे। और साथ ही ये जो पीछे जो सूखे सूखे ट्रीज हैं, बैम्बूज हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इनको, जो बहुत दूर हमें दिखाई दे रहे हैं, हल्की लाइन से आपको ड्रॉ कर लेने हैं ब्रश की हेल्प से। और स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में आपको ब्राउन कलर इसमें फिल करना है, और जो ये ट्री है इसका शेड हमने यहाँ दिखाया है तो वो भी आपको इसमें करना है, ठीक है। और इन तीनों सबसे पहले बेस कलर कर लेना है आपको, है ना। और जब वाइट और ये येलो और ग्रीन साथ ही कर लेना है साथ में इसको, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जब ये सारा कलर हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे ये जो रेड और पिंक कलर है ना आपको वाइट के साथ में मिक्स करना है। रेड कलर तो आपका ये वाला शेड आ जाएगा, और वाइट के साथ में इसको जैसे एक तरफ आपने ट्रे में वाइट कलर ले लिया, एक तरफ रेड कलर ले लिया, और राउंड ब्रश को डिप करना है, और डिप करने के बाद में आपको उसको ऐसे फैलाना है, ठीक है। हम जैसे ब्रश को कलर में डिप करने के बाद में बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना है आपको, आपको बहुत कम क्वांटिटी में कलर यूज़ करना है। और उसको ऐसे जैसे ये ब्रश है, ब्रश का टिप है, और मैंने इसको शीट पे करके ऐसे गोल घुमाते हैं ना हम, तो आपका ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो फैल जाएंगे, और उसी से ये टेक्सचर आपको बनाना है, और वो भी बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हुए। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पे पिंक और रेड का कॉम्बिनेशन साथ में वाइट का कॉम्बिनेशन
आपको ये वाला इफ़ेक्ट दे देगा और साथ ही आपको ग्रीन का इफ़ेक्ट भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है और वहाँ पे आपको ग्रीन का थोड़ा थोड़ा शेड लगाना है और इस तरीके से आपकी ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट पेंटिंग आप ये ले लेंगे, ये देखिए ये एक सीन बना हुआ है पेंटिंग्स में। इसके लिए आपको ब्लू कलर लेना है डार्क, और सबसे पहले बहुत कम इसमें पानी यूज़ करना है आपको, और सबसे पहले आप अपनी शीट को वॉश करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा इधर यहाँ से डार्क करते हुए इधर यहाँ यहाँ लेके आना है, आपको इसमें पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप एक आउटलाइन के तौर पे सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ पे एक लाइन टच कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी, और एक मेज़रमेंट के लिए एक हल्की सी पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज इस पेंटिंग को बनाने के लिए आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ से आपको ब्लू कलर फिल करना है और यहाँ से भी ब्लू कलर फिल करना है। सबसे पहले हमारा एक बेस तैयार हो जाएगा और उसके बाद में सिर्फ इतना हाफ आप यहाँ से करेंगे, हाफ यहाँ से यहाँ तक करना है और यहाँ पे इस एरिया को आपको ब्लैंक छोड़ना है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमने ब्लैंक छोड़ दिया है यहाँ पे, और फिर वाइट जो स्पेस छोड़ा है यहीं से हमें जो हमने ब्लू कलर फिल किया था उसको थोड़ा वाइट कलर में मिक्स करके इसका शेड इस तरीके से बनाना है। ठीक है, लाइट टू डार्क ऐसे शो करना है आपको। और उसके बाद आप ये जो यहाँ पे वाटर जो इफ़ेक्ट दिखाया हुआ है और इसमें इसकी मून की जो शेड आ रही है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे दिखाना है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वाइट मिक्स करने के बाद में आप शेड कर सकते हैं। देन आपको ये ट्रीज़ बनाने हैं, है ना, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्री है बिग वाला, है ना, इसको बनाना है आपको। और डायरेक्टली मैंने बताया ना आपको, ब्रश से ही बनाना है। आप ब्राउन कलर ले लीजिएगा, बर्न साइना जो आपका कलर है पोस्टर कलर, उसमें आपको यहाँ से ट्री सिर्फ इतना इतना ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, इतना 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 बना लिया, फिर बीच में शेड लगा दिया, फिर इतना पूरा ट्री नहीं करना है, विथ कलरिंग करना है आपको। और उसके साथ ही आपको यहाँ पे इसमें शेड्स करने हैं, और शेड्स करने के बाद में कैसे हम शेड करेंगे ये देखिए, यहाँ पे कहीं पे फिर अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा डार्क हो गया है ब्राउन में, है ना, तो आप हल्का सा वाइट कलर मिक्स करना है, और कोई तीसरा कलर इसमें मिक्स नहीं करना है, सिर्फ ट्री बनाने के लिए। और इसकी अभी जो ऊपर लीव्स ऑफ फ्लावर्स हैं ये आपको नहीं बनाने हैं। इसके साथ ही उसी कलर को आगे बढ़ाते हुए आपको इस तरीके से ये जो ट्रीज़ हैं पीछे, ये आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, कलर से बनाने हैं, डायरेक्ट ब्रश से करेंगे आप। ये देखिए ये ऐसे लाइन, सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा करते हुए ऐसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से आप इसको बना लोगे डायरेक्ट ब्रश से। उसके बाद इसमें हमें ये जो इसके फ्लावर्स और जो ये लीव्स का शेड हमें दिखाई दे रहा है, तो सेम मेथड जो हमने अभी पहले वाली पेंटिंग में बताया है बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। कलर को डिप कलर में ब्रश को डिप करना है, और राउंड ब्रश ही यूज़ करना है आपको, फ्लैट ब्रश यूज़ नहीं करना। फ्लैट ब्रश आपको इस पार्ट के लिए सिर्फ बेस के लिए यूज़ करना है, और बाकी के लिए आप राउंड ब्रश ही यूज़ करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। और 1-2 नंबर का भी ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है, आप 4 या 6 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। उसके साथ ही आप ब्रश को बिल्कुल उसी मेथड से जैसे मैंने बताया था, उसकी टिप को कलर में डिप करेंगे, और उसके बाद उसको ऐसे फैला लेंगे, और उससे ऐसे ऐसे आपको इस पर कलर करना है, तो आपका ये वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा। और जब आप इसको सामने देख के करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमें वाइट, हमें कितना कलर यूज़ करना है, पिंक कितना लेना है, और रेड। इसके लिए आपको कलर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी कलर ट्रे में आप डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में ये देखिए वाइट इस यहाँ पे करने के बाद में फिर आप ये देखिए यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं, आपको यहाँ पे भी इस तरीके से कलर कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बहुत ही खूबसूरती के साथ में डेकोरेट करिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिकल वर्क आता जा रहा है उसको करिए। थैंक यू।